अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 ऑफ पेज नंबर 50. सो लेट्स स्टार्ट. ओपन पेज नंबर 50 ऑफ दिस बुक. देयर इज क्वेश्चन नंबर 7. राइट वर्ड्स इन द ब्लैंक्स. कहता ब्लैंक्स में वर्ड्स लिखें. ए पार्ट है फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड डैश. कहता है फ्रैक्शन जो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के साथ होती है उसको क्या कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये बात मैं आपको बता दूँ, जब फ्रैक्शन डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के साथ होगी तो उसको हम लोग अनलाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं. और जब सेम डिनोमिनेटर्स हैं, जैसे ये देखें, इन दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है. और अगर ये, जैसे ये चेंज है, ये इसका डिनोमिनेटर दोनों के चेंज है, एक का 9 है और एक का 8 है, तो इसको अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है. तो यहाँ पर ये डिफरेंट डिनोमिनेटर का उसने पूछा है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है. बी पार्ट है, कहते हैं इन द फ्रैक्शंस, कहते हैं फ्रैक्शन इन, सॉरी इन लाइक फ्रैक्शंस, कहते हैं लाइक फ्रैक्शन में द डैश द न्यूमिरेटर द ग्रेटर द फ्रैक्शनल नंबर. कहते हैं अगर उसका न्यूमिरेटर क्या हो, तो अगर मतलब उसने न्यूमिरेटर का पूछा कि उसका न्यूमिरेटर क्या हो, तो फिर नंबर जो है वो फ्रैक्शनल नंबर जो है वो बड़ा होता है. तो जब, याद रखिएगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो नंबर फ्रैक्शन में बड़ा है वो बड़ा ही होगा, और जो छोटा है वो छोटा होगा. तो अगर न्यूमिरेटर बड़ा है तो फिर वो फ्रैक्शनल नंबर जो है वो भी क्या होगा, वो भी बड़ा होगा. तो यहाँ पर क्या आएगा, ग्रेटर. सी में कह रहा है इन द पेयर ऑफ फ्रैक्शन 2/7 and 3/7. कहता है इन दोनों में 2/7 और 3/7 डिनोमिनेटर सेम है, इनमें बड़ा क्या है, 3 है. तो कहता है 3/7 इज डैश देन 2/7. तो 3/7 क्या है, ग्रेटर देन, यहाँ पर क्या हम लोग लिखेंगे, ग्रेटर देन 2/7, ठीक है. डी में कह रहा है इन द पेयर ऑफ फ्रैक्शन 3/8 and 3/9, 3/8 इज डैश देन 3/9. अब देखें, ये न्यूमिरेटर सेम है, जब न्यूमिरेटर सेम होंगे तो जो नंबर छोटा होगा वो आपका बड़ा होगा. तो ये हमारा नंबर क्या है, 3/8 जो है उसने पूछा है वो क्या है, इससे ग्रेटर है. तो इसमें भी क्या, ब्लैंक में क्या आएगा, ग्रेटर है दूसरे से, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है राइट फ्रैक्शंस इन द बॉक्सेस. कहता है फ्रैक्शंस बॉक्सेस में लिखें, ठीक है. ये उन्होंने सॉल्व करके दिया हुआ क्वेश्चंस, मैं आपको बता, ये जो क्वेश्चंस है हमारे, इनको उन्होंने इधर सॉल्व भी किया हुआ है ये एग्जांपल में. जैसे ये देखें, एग्जांपल है उन्होंने दी हुई है, ये डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर डिजिट्स को उन्होंने प्लस कर दिया है, 5 में 2 प्लस करके क्या आ जाएगा, इधर आया हुआ 7 आया हुआ, नीचे 8 लगाया हुआ. तो सेम वो ये है, ये ब्लैंक्स हैं, तो इनको भी आपने डायरेक्ट कर लें बेशक. ये 4 में 3 प्लस करेंगे 7, और नीचे क्या आ जाएगा, 10 एज इट इज़. जब आपके ये लॉन्ग क्वेश्चन होंगे तो स्टेप वाइज चलेंगे, जैसे ये वाले आपके, ठीक है. तो ये ब्लैंक्स है, तो हम लोग इसी तरीके से फिलअप करना है, ठीक है. अब 7 में 3 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 4/9, ठीक है. और सी है, सी में अब आपके पास 3 नंबर है, तीनों को प्लस कर लें, 3, 3, 6, 6 में 2 प्लस करेंगे 8/9, इस तरीके से. क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉल्व द फॉलोइंग. कहते हैं इनको सॉल्व करें, 1/8 of 48 टिकट्स. कहते हैं 1/8 of 48 टिकट्स. तो ये देखें, उन्होंने इसको एग्जांपल दी हुई है इस तरीके से, ये 36 है, ये ऑफ का जो है वो ये हमारा मल्टीप्लाई को शो करता है, ठीक है. ये मैं आपको वैसे सॉल्व करके भी एक क्वेश्चन बता देती हूँ, इस तरीके से हम लोगों ने करना है, ठीक है. ये देखें, 1/8 of 48 टिकट्स ये मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, ठीक है. अब 48 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 डिवाइडेड बाय ये या बाय 8 टिकट्स, ठीक है. और इसको आप, इसको आपने क्या करना है, ये 48 है, ये डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है. या तो इधर कटिंग कर लें इसकी, या इसको डिवाइड कर लें इस तरीके से, ठीक है. तो 40 हमें पता है 8 6 कितना होता है, 48. तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, इधर ये टिकट्स आपको साथ साथ चलेगा, ठीक है. तो 6 टिकट्स इसका आंसर आ गया, ठीक है. आपने 8 का टेबल 48 तक पढ़ना, तो आपके पास आंसर क्या आ गया है, 6 टिकट्स. तो आपका ये ए पार्ट में आंसर क्या आएगा, 6 टिकट्स. बी पार्ट है 1/6 ऑफ 2460. तो ये 2460 जो है आपका, ये ब्लैंक है, तो आप डायरेक्ट जो है 2460 को डिवाइड कर लें 6 पे. ये मैंने आपको मेथड बता दी है किस तरीके से हमारा जो है ये डिवाइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है. तो ये ब्लैंक्स हैं फिलहाल, तो ब्लैंक्स को हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है. जब लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे तो पूरे मेथड के साथ मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है. 6 4 24 आ गया,
उसके बाद ये सिक्स माइनस किया, ये वाला 24 में से 24 माइनस किया, जीरो आ गया। आप सिक्स को नीचे मूव करवाएंगे, सिक्स वनजा सिक्स, ये भी माइनस किया, जीरो हो गया, ये जीरो रह गया। इस जीरो को नीचे लेकर आएंगे, सिक्स जीरो जा जीरो, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या आया है, 410 किलोमीटर। ये 1/6 आप 2460, ये 2460 किलोमीटर था, तो हमारे पास आंसर क्या आया है, 410 किलोमीटर, ठीक है। अब देखें 1/10 ऑफ 120 केजी, हमें पता है 10 12 जो 120 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 केजी डिवाइड जो करना है। अब हमें पता है 9 36 को 9 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 4, ये 9 4 तो 36 होता है, तो 4 यहाँ पर साथ आ जाएगा, 4 RS या RS, सॉरी पहले लगाते हैं बाद में नहीं लिखते, ठीक है, ₹4, ठीक है। ये देखिए कितने ज़्यादा आसान क्वेश्चंस थे, आपने इनके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।